एडिलेड में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 31 रनों से हरा दिया है। इसके साथ ही टीम इंडिया 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना चुकी है। अब सीरीज का दूसरा मुकाबला दोनों टीमों के बीच पर्थ में 14 से 18 दिसंबर के बीच खेला जाएगा। अगर इस मैच में भी भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को हराने में कामयाब हो जाती है तो भारत 2-0 की मजबूत बढ़त बना लेगा। हालांकि अगर बात करें पहले टेस्ट मैच की तो दोनों ही टीमों के बल्लेबाजों ने इतना खास प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय गेंदबाजों ने इस मैच में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इस मैच में भारत की तरफ से चेतेश्वर पुजारा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहली पारी में 123 रनों की शतकीय पारी खेली, जबकि दूसरी पारी में भी पुजारा ने 71 रनों की शानदार पारी खेली। पुजारा की साहसिक पारी का ही नतीजा रहा कि भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतने में कामयाब रही। वहीं अब 14 दिसंबर से पर्थ में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच में जीत के बावजूद भी भारतीय टीम में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आपको बता दें कि लगभग एक साल बाद टेस्ट टीम में वापसी करने वाले हिटमैन रोहित शर्मा का प्रदर्शन भी कुछ खास नहीं रहा। हालांकि रोहित ने पहली पारी में 37 रन जरूर बनाए, लेकिन दूसरी पारी में फ्लॉप रहे। बावजूद इसके दूसरे टेस्ट में रोहित का खेलना तय माना जा रहा है। खास तौर पर सलामी बल्लेबाज मुरली विजय या लोकेश राहुल में से किसी एक को दूसरे टेस्ट मैच से बाहर किया जा सकता है, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाजों का पहले मैच में प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। हालांकि लोकेश राहुल ने दूसरी पारी में 44 रन जरूर बनाए। ऐसे में दूसरे टेस्ट मैच से मुरली विजय का बाहर होना तय माना जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो हनुमा बिहारी या पार्थिव पटेल को मौका मिल सकता है, लेकिन आपको बता दें कि पृथ्वी शॉ भी दूसरे टेस्ट मैच के लिए फिट हो चुके हैं। ऐसे में मुरली विजय की जगह पृथ्वी शॉ खेलते नजर आ सकते हैं। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 इस प्रकार है: लोकेश राहुल, पृथ्वी शॉ, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और ईशांत शर्मा और कुलदीप यादव में से किसी एक को मौका मिल सकता है।